शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे एक और लेक्चर शेयर करने जा रहा हूँ जो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हायर कोर्ट से रिलेटेड है, और ये आर्टिकल 175 ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस की गई है, पाकिस्तान 1973। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हायर कोर्ट्स से ये आर्टिकल रिलेटेड है। हायर कोर्ट्स मीन सुप्रीम कोर्ट, फाइव हाई कोर्ट्स, फेडरल शरीयत कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट। इसकी अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट्री कमेटी और जुडिशियल कमीशन, ये दोनों इसकी अपॉइंटमेंट्स करते हैं। जुडिशियल कमीशन में बेसिकली ओनली फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जुडिशियल कमीशन में 9 मेंबर्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसके साथ फोर सीनियर मोस्ट जजेस, इसके साथ एक रिटायर्ड जज जिसको चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेगा, और एक इसके साथ अटॉर्नी जनरल, इसके साथ मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसके साथ एक सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय बार काउंसिल फॉर टर्म ऑफ 2 ईयर्स। और फेडरल शरीयत कोर्ट प्लस आईसीटी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, इसके साथ इस जुडिशियल कमीशन के साथ चीफ जस्टिस ऑफ दीज टू हाई कोर्ट्स ये भी होंगे। यानी अगर इसके लिए अपॉइंटमेंट करना हो तो इस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, अगर इसके लिए जजेस की अपॉइंटमेंट करनी हो तो फिर इसी के जज का होना, यानी चीफ जस्टिस का होना जरूरी है। और एक इसके साथ सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट कोर्ट। इसके साथ अगर फॉर प्रोविंशियल हाई कोर्ट जो है, अगर उसके लिए जजेस की अपॉइंटमेंट करनी हो तो फिर इसी कमीशन में चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इसका होना भी जरूरी है। प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इसके साथ सीनियर मोस्ट सीनियर जज ऑफ दैट हाई कोर्ट। नंबर फोर्थ, इसके साथ एन एडवोकेट हैविंग 15 ईयर ऑफ प्रैक्टिस, सॉरी नॉट लेस देन 15
less than 15 years of practice and nominated by Provincial Bar Council for 2 years. Bar Council for 2 years. Parliamentary Committee. पार्लियामेंट्री कमेटी में 8 मेंबर्स होंगे, 4 फ्रॉम गवर्नमेंट बेंच, 4 फ्रॉम अपोजिशन। अगर नेशनल असेंबली सेशन में ना हो, सॉरी, इसके साथ इसी 8 में से 4 सेनेट से होंगे और 4 नेशनल असेंबली से। अगर नेशनल असेंबली सेशन में ना हो तो 8 फिर सेनेट से लिए जाएंगे और उसी 8 में से 4 गवर्नमेंट बेंच से होंगे और 4 अपोजिशन में से होंगे। अब मैं प्रोसीजर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हायर कोर्ट्स। नंबर फर्स्ट, जुडिशियल कमीशन जो है वो नॉमिनेशन करेगा, यानी जितने भी वैकेंसीज हो उनके लिए ये जुडिशियल कमीशन जजेस को नॉमिनेट करेंगे और वो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी 14 डेज में इसी नॉमिनेशंस को कंफर्म करेंगे थ्रू मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबरशिप। अगर इनको कोई रिजर्वेशंस हो तो फिर वो रिजर्वेशंस ये जुडिशियल कमीशन को रेफर करेंगे within 14 days. अगर उन्होंने ऐसी nominations पर किसी किस्म के reservation नहीं उठाए तो फिर इसको इस तरह consider किया जाए कि इन्होंने ये nominations accept किए और ये जो इसकी reservations हैं जो forward करेंगे ये अपने reservations को record करेंगे, record reservations, कि इसी बुनियाद पर हम इस जज की नॉमिनेशन जो है वो नहीं करना चाहते और हमें इस पर ये इतराजात है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी अपने साथ ये रीजंस वो नोट करेंगे। इसके बाद फिर थ्रू पीएम, थ्रू प्राइम मिनिस्टर, ये जो नॉमिनेशन पार्लियामेंट्री कमेटी ने कंफर्म की इसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा और प्रेसिडेंट फिर इस पर असेंट देंगे। ही मस्ट साइन ओवर द अपॉइंटमेंट्स डन बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी। इसके बाद चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर की गई है। चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट की यह प्रोसीजर है कि सीनियर मोस्ट जज वो खुद ब खुद चीफ जस्टिस बन जाता है और प्रेसिडेंट बाउंड है कि वो उसी को अपॉइंट करेगा और उसी से फिर ओथ लेगा। इसमें एक बात की गई है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की अपॉइंट की जा रही हो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो फिर जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स की जो जुडिशियल कमीशन के साथ जिस मेंबर्स को हमने इंक्लूड किया उसमें सीनियर मोस्ट जज जो है, मोस्ट सीनियर जज ये पर मेंबर नहीं होगा, इसकी जगह किसी और जज को ये पर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट की बात आ जाती है और
इसी वजह से फिर उसको इंक्लूड नहीं किया गया। ये सारा प्रोसीजर जो है इसको ऑन कैमरा कंडक्ट किया जाएगा, और अगर ये और इसको सेक्शन सॉरी आर्टिकल 67 इस प्रोसीजर को अप्लाई नहीं होता, यानी कंडक्ट ऑफ द जज इसमें ये लोग उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, उसके खिलाफ भी ये कोई बात कर सकते हैं, उसकी कंडक्ट को ये लोग इधर डिस्कस कर सकते हैं, इनमें इनके पास ये इख्तियार है।